ये वाली रोड भी ना सीधे ऊपर मिलती है पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला गांव नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, शाम के 4:15 हो गए हैं और आज ना मैं जा रही हूँ मार्केट और आप सभी को भी ले चलते हैं हल्द्वानी की मार्केट। और हल्द्वानी के मौसम की बात की जाए ना, हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, पूरा पानी पानी हो रखा है चारों तरफ। और एक बार आपको ना यहाँ से दिखाते हैं हम कैसा हो रहा है। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बिना पूरे बारिश लगी है हल्की हल्की सी और वो अभी दिख नहीं रही है। और मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है आज, बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है। और ये है मेरे प्यारे प्यारे से पौधे, नीचे वाले छत में मैंने कुछ पौधे लगा रखे। और ये गमला जो है ना, ये हमने ऑर्डर करवाया था ऑनलाइन और इसमें भी मैंने लगा दिए हैं कुछ इस तरह के। अभी धीरे धीरे होंगे ना, फिर बहुत अच्छे खिलेंगे। अभी तो मैंने खाली इसकी ना ऐसी टहनियाँ ऐसी लगा दूँ तो ऐसी लग जाएंगे, इसमें से पूरी कलियाँ आती हैं, फिर बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पर स्नेक प्लांट लगा रखे हैं मैंने, इसमें भी से भी मैंने ना 2-4 प्लांट अंदर लगा दिए हैं दूसरे वाले पौधे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, पर मैंने धूप में रखा है। और एक प्लांट यहाँ पर है, बहुत ही प्यारा और क्या है, छोटे छोटे हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे से फूल खिले रहते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला। तो चलते हैं, आप सभी लोगों को भी ले चलते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहना। तो हम निकल गए हैं घर से मार्केट के लिए और आज दिया और मैं जा रहे हैं घूमने, हॉस्पिटल के टूर हो रहे हैं आज। आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, किसी को देखने भी जाना है और दिया ने अपने टेस्ट कराते हैं, उसकी रिपोर्ट लेके आनी है। तो आप सभी लोगों को भी ले चलते हैं। और ये लगे हैं यहाँ पे धान, वो बीच बीच में पहाड़ वो ठना है, बहुत ही सुंदर आ रहा है यहाँ पे धान के खेत। और आज हम जाएंगे कुसुमखेड़ा वाली रोड से और यहाँ से हम आ गए अंदर को हमारे भगवानपुर के बाद, फिर यहाँ आती है ऊंचा पुल वाली रोड, उसके बाद सामने ही दिखती है ये ऊंचा पुल वाली रोड है जिसमें कार जा रही है, उसके आगे वाली में भी उधर दिख रहा है वो वाली रोड है कुसुमखेड़ा वाली। तो हम कुसुमखेड़ा वाली रोड से आज वहाँ से निकलेंगे, तो आपको भी दिखाते हैं यहाँ से हल्द्वानी के खूबसूरत से नज़ारे, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। धान को तो बड़ी हरी ना, चार दिन में इतर भागी नहीं हो। रामनगर वाली रोड, ये है नेशनल हाईवे, पहले से यहीं से जाती थी गाड़ियाँ, आजकल तो ऊपर से भी शॉर्ट हो गया ना, पहले से ये अभी जो काठगोदाम से बाईपास आती है तो वो ब्लॉक से साइड पर निकल जाती है, फतेहपुर होते हुए निकल जाती है और पहले से सारी गाड़ियाँ यहीं से जाती हैं। तो ये है हाईवे कुसुमखेड़ा वाली जो रोड है रामनगर वाली। हम पहुंच गए हैं कुसुमखेड़ा चौराहे पे,
ये पेड़ कटे ना बहुत फिर से हरे होने लगे ना। और हम पहुंचे हैं सेंट्रल हॉस्पिटल में। से ना ऊपर से जाती है अल्मोड़ा वहाँ के लिए ना सोल्ट काड़ूधाम के लिए लाल डांट पे। हम पहुंच गए हैं मुखानी चौराहे पे और अब इसे पदुराम चौक कहते हैं, वो लिखा है देख वहाँ। हाँ ये अब पहले से मुखानी चौराहे बोलते थे ना, अब परशुराम चौक बोलते हैं। तो हमें जाना है नीचे को। और ये गई मार्केट को और ये गई ऊपर को, ये वाली रोड भी ना सीधे ऊपर मिलती है काड़ूधाम वाली। और हमें जाना है नीचे को। हम पहुंच गए हैं मुखानी चौराहे पर और यहाँ से लेते हैं, ये है यहाँ पे पंत फार्मा, तो यहीं से हमने लिया है। और ये है भैया, भैया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ये हैं भैया जी, जिसको भी जो दवाइयाँ या मेडिसिन लेनी हो वो यहाँ पे आ सकते हैं। आप लोग भी भैया की दुकान में जरूर आए और यहाँ से दवाइयाँ लेकर जाएं। चल तो यहाँ से हम निकलते हैं नीचे को और यहाँ पे ना टुक टुक और रिक्शे वाले लगे हैं, तो सीधे हम जाएंगे नीलकंठ। ये है नीलकंठ हॉस्पिटल, हम आ गए हैं वहाँ से पेशेंट को देखे, अब जाते हैं सीधे मुखानी चौराहे। और यह है बजाज, बड़ा है ये भी ना। सारे जितने भी हॉस्पिटल है ना इसी मुखानी एरिया में है पूरे। और यह है श्री श्याम अपार्टमेंट्स। ऊपर पर चलती हैं घूमने के आते हैं। शाम की बज के हैं 5:30 और 6:45 और अब चलते हैं सीधे घर को। आपको ले चलते हैं हम आज रामनगर वाली रोड से, उधर से जाएंगे से हम पैदल निकल जाएंगे अंदर को। नाम बताओ तो। क्या है बाबू? और आपका नाम? आप बताओ नाम अपना। यासिका। और यासिका की बहन है जीवा। हम पहुंच गए हैं कमलवा गाजा वाली रोड में और नीचे को, और अब यहाँ से लेते हैं कुछ बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें और सीधे पैदल चलते हैं उधर को। घर को दिया खाने लगी है चटपट। हाँ दिया का चटपट खाने का मन हो रहा है। मेरा तो व्रत है। मजा आ रहे हैं? अच्छा हो रहे हैं? अच्छे होते नहीं लगे। और ये है मेरा फास्ट फूड और यहाँ से हमने चाउमीन पैक कर ली। तो हम पहुँच गए हैं घर में और दिया चली गई ऊपर को और मैं चलती हूँ अंदर को। अब करते हैं घर में दिया बत्ती और आपको मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों अब मैंने बना दी है चाय और मिश्री का कटक और चाय पीते हैं और उसके बाद मैं काटती हूँ तुरई और मूली की सब्जी।
यह है हमारी पहाड़ी तुरई और बहुत ही अच्छी होती है। मूली के साथ इसका कॉम्बिनेशन ना बहुत ही बढ़िया होता है। और सब्जी भी आ गए हैं, वो भी चाय पीने लग गए हैं। इस जो एयर टाइट डब्बा है ना, इसमें प्लास्टिक का ही है, तो इसमें मैंने ना मिर्चें रख दी हैं जो कि डंडियां तोड़ के को ख़राब भी नहीं होती हैं। तो इसको ऐसे ढक के रख लो तो एक दो तीन हफ्ते तक ऐसे अच्छे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, और इनकी डंडियां ना गल जाती हैं। और फिर मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है मूली की और तोरे की सब्ज़ी। तो दोस्तों अब मैं बनाती हूँ रोटी और सभी लोगों को खिलाते हैं। और आप लोग ना हमारी आज की वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और आपको अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल।